ओके सो हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स uh, का लाइव क्विज फोर डीसी सर्किट्स का फर्स्ट क्विज था तो वैसे क्विज तो इजी बोल सकते हैं बट कुछ क्वेश्चंस थे जो शायद तुम लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं करा होगा इस कारण से गलती हो गया होगा तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट तो वही थे जो अभी तक हमने क्लास में कवर किए थे तो इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ करेंट इज पासिंग थ्रू अ वायर हैविंग टू सेक्शन पी एंड क्यू ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर तो वायर में दो सेक्शन है डायमीटर दोनों का अलग अलग है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया तो करंट को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेट करते हैं वो इसमें यूज हो जाएगा तो रिलेशन होता है इज टू -E ऐसा होता है रिलेशन तो बोल रखा है कि वायर सेम है बस उसके दो सेक्शन है वायर सेम है इसका मतलब ये मानना है कि वायर सेमी मटेरियल का बना है तो दोनों सेक्शन में करंट तो सेम ही होगा कि एक ही वायर में अगर करंट जाता है तो पूरे वायर में थ्रू आउट द वायर हमने डिस्कस किया था कि अगर वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होता है तो भी थ्रू आउट द वायर करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है करंट की वैल्यू सेम है समझ में आ रहा है करंट की वैल्यू सेम है तो फिर उन दोनों को इक्वेट कर दो कि मैंने ये किया अगर आई आई वन इज I2. दोनों सेक्शन में अगर मैंने P और Q बोल रहा आई पी इज IQ. दोनों सेक्शंस में करंट सेम है तो यहां से एनई ए e, और ये ए में आ जाएगा ए ऑफ पी सेक्शन और एन टू वेलोसिटी इसको मैं पी बोल बोलता हूं इक्वल्स टू एन ई ए ऑफ क्यू सेक्शन एन टू वेलोसिटी वी क्यू ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो तो सेम है और एन भी सेम ले रहे हैं बिकॉज सेमी वायर के पास दो सेक्शन से बोल रखा है कोई चार नहीं बोल रखा है तो हम यही माने कि दोनों सेक्शन सेमी मटेरियल का बना हुआ है तो एन भी सेम हो जाएगा एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो तो भी सेम हो जाएगा तो यहाँ से बेसिकली ये एनी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये ए वन वी वन इक्वल टू तो ए टू बी टू टाइप का आ जाता है इसमें भी तो अब एरिया अगर देखोगे तो डायमीटर ए का डी और ए का है डी बाई फोर तो सेक्शन पी का डायमीटर डी है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर और इंटू सेक्शन क्यू का डायमीटर है डी बाई तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी का स्क्वायर पाई डी स्क्वायर होता है तो पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन और इंटू तो यहां से फिर से रिलेशन क्या दिख रहा है यहां से क्या दिख रहा है है तो तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ये, I ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था मोबिलिटी निकालना मोबिलिटी ऑफ चार्जेस तो मोबिलिटी ऑफ चार्जेस हमने डिफाइन किया था मोबिलिटी डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन डिफाइन किया किया था VD ही किया था अपॉन अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखोगे तो थोड़ा ये आइडेंटिफाई करना है कि जो जो इफॉर्मेशन गिवन है उससे हम कैसे पहुंच सकते हैं आंसर तक तो तो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी गिवन गिवन है drift velocity given है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है गिवन क्या है करंट दे रखा है और रेजिस्टिविटी दे रखा है और क्रॉस सेक्शनल रेडियस दे रखा है तो इसको यूज करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना है तो क्या दिमाग में क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट से रिलेट करना है तो का वो वाला फॉर्म दिमाग में आ जाएगा, करंट परमिट एरिया तो आई अपॉन एक्वी रेजिस्टिविटी दे रखा है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है आई इंटू रो अपॉन ए आई इंटू रो अपॉन ए

अपॉन mm तो नीचे में करंट ये भी दे रखा है करंट इज फाइव एम्पियर्स और दे रखा है, 10 8. ये है। है? गया। अब इससे हमें आंसर तक पहुंचना है तो एक तो टेन टू दावर वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लेते हैं टेन टू दावर वाले सारे टर्म्स तो वो अगर एक साथ कर ले तो लेट्स अभी मैं इसको नीचे लिख रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा 1.1 पाई पाई को मैं 3.14 लिख रहा हूं और इंटू फाइव कर दिया इंटू फाइव ये, ये और यहां पर अपॉन वन पॉइंट सेवन यार है और इंटू टेन टू द पावर माइनस में अगर देखो तो क्या बच रहा है ऊपर में टेन टू पावर माइनस नाइन है और नीचे पावर माइनस एट है तो टेन टू पावर माइनस वन हो जाएगा ये बन रहा है ठीक है ऐसा आ रहा है ये अब इसमें एक थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन सा कर सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बजाय एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो कि मैंने रफली क्या किया ना जैसे ऑप्शंस देखोगे अगर ऑप्शंस वैसे तो दिख रहे हैं क्लोज है बट उतने भी क्लोज नहीं रहेंगे मैंने रफ कैलकुलेशन ये किया कि लेट्स से 3.14 को मैं थ्री मान लेता हूँ तो अगर थ्री मान लिया तो थ्री इंटू यहाँ पे लेट से अगर हमने

15 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जाएगा ये 165 15 into 11 था उस कारण से ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी बट थोड़ी सी ज्यादा होगी हो जैसे ऑप्शन अगर देखोगे ऑप्शन अगर देखोगे ऑप्शन देखोगे देखो तो कितना है तो इसको थोड़ी फीलिंग ले सकते हो कि ये जो पॉइंट वन फोर हमने छोड़ा अगर उसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यही वाली चीज ये वाली चीज एक ये ये बेसिकली क्या होगा ना कि हमने हमने क्या छोड़ा है कि एक थ्री लिख दिया है तो एक 0, 0 वाला फैक्टर छोड़ा है उस कारण से कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यानी कि वन सिक्सटी फाइव की बजायवेंटी के आसपास कुछ पहुंच जाएगा तो वन के क्लोज होगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो मैं, मैं एक रफ कैलकुलेशन थोड़ा बता रहा रू तो इसको वन के क्लोज मान सकते हैं

ए अपॉन और यहाँ पे वन पॉइंट 1.1 आ जाएगा क्योंकि तो, 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 तो वही रहेगा रेजिस्टिविटी रहे वही, वही है। रो एल की जगह आ जाएगा 1 .1 L, और A की जगह आ जाएगा ए अपॉन वन पॉइंट वन तो ये फिर बन जाएगा वन पॉइंट वन का स्क्वायर और इनटू टू रो एल बा जो कि आर हो जाएगा

तो ऐसे केसेस में जहां पे ये चेंज जो हम लेंथ में कर रहे हो वो चेंज कम है तो उसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ दूसरा तरीका ये दूसरा तरीका समझा रहा हूँ देता, देता हूं क्योंकि हमने जब स्ट्रेचिंग किया है वॉल्यूम कंजर्व है तो मैं एरिया को वॉल्यूम के टर्म से लिख देता हूं तो एरिया को मैंने लिख दिया वॉल्यूम अपॉन एल ये मैंने लिख दिया एरिया को तो ये बन जाएगा रो अपॉन वी

डेल्टा आर अपन L एल और यहाँ पे डेल्टा एलपॉन एल वो दे रखा था अगर फ्रैक्शन के डॉक्टर से बात करें डेल्टा एलपॉन एल बेसिकली फ्रैक्शन है तो, में 10 था, तो ये बन जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू यानी कि डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा तो जीरो पॉइंट टू आर और जीरो पॉइंट टू आर यहाँ पे आर टेन था दो तो ठीक है ये बात समझ में आ रही है तो स्मॉल चेंजेस को ऐसे हम एर वाले तरीके से भी कर सकते हो तो डेल्टा आर टू होम आ गया तो फाइनल इनिशियल रेजिस्टेंस था हमारे पास तो आरडाश अगर लिखना है तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर तो आर था हमारे पास टेन और डेल्टा आर आ गया है दो तो आ जाएगा विच इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर जो एक्चुअल आंसर ट्वेल्व पॉइंट वन है उसके काफी क्लोज है ट्वेल्व ओम तो स्मॉल चेंजेस को रिलेट करने के लिए ऐसे हम एरर वाला तरीका यूज कर सकते हैं स्मॉल चेंजेस के लिए बड़े के लिए नहीं कैसा अगर बोल दिया जाए कि हमने लेंथ को डबल कर दिया डबल कर दिया तो फिर इस तरीके से करोगे तो उसमें एरर ज्यादा होगा

कि डी बाई dl कर दूंगा दोनों तरफ डी आर अपॉन dr upon DL. तो डी आर अपॉन जाएगा के तो कॉन्स्टेंट है तो यह आ जाएगा टू एल तो यहां से इन टू टू एल डी एल ठीक है और यहाँ पे एक इक्वेशन ये वन था और एक इक्वेशन टू है तो अगर मैंने डिवाइड कर दिया टू टू बाई वन कर दिया तो टू बाई वन हमें क्या दे देगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के तो कैंसिल हो जाएगा टू एल डी एल अपॉन एल जाएगा टू डी एल अपन तो ये यहां से आता है वो डेल्टा आर अपॉन आर रिक्वर्स डेल्टा एल अपॉन एल यानी ये डेरिवेटिव्स के के रिलेशन रिलेशन से से आता है डेरिवेटिव तो यानी कि हम इस आ, एल में स्मॉल चेंज चेंज को आर में स्मॉल से रिलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स तो ये होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये चेंजेस है ना चेंजेस शुड बी स्मॉल यहाँ पे नोट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि चेंजेस स्मॉल चेंजेस कैन बी रिलेटेड लाइक दिस स्मॉल चेंजेस यानी कि डबल कर रहे हैं ट्रिपल कर रहे हैं तब के लिए नहीं उतना सही है स्मॉल चेंजेस कैन बी रिलेटेड लाइक दिस स्मॉल चेंजेस कैन बी रिलेटेड लाइक दिसर वाला टेक्निक है तो एर स्मॉल होता है तो एर स्माल एर होता है इसलिए कंबाइन करते हैं हम इस तरह से कर सकते हैं कम्बाइन चलो ये क्वेश्चन बिफोर ये अगर देखें रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दो टेम्परेचर पर देखा है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री और resistance of wire at degree Celsius बताना है. तो इसमें हम दोनों को जीरो डिग्री सेल्सियस से रिलेट कर लेते हैं तो एक अगर हम फाइव फिफ्टी डिग्री सेल्सियस वाला देखें तो एक रिलेशन बन जाएगा तो सिक्स टू आर नॉट इन टू वन प्लस एल्फा इंटू हंड्रेड तीन दिनों का फिर रेशियो ले लिया तो फाइव अपॉन सिक्स इज इक्व टू आर नॉट कैंसल हो जाएगा और फिर आ जाएगा वन प्लस एल्फा

500 हंड्रेड 300 टू हंड्रेड हो जाए तो आ आ गया और ही आ गया और तो तो अब किसी भी एक में डाल तो में डाल डाल दो से मैं ऊपर वाले दूं आल्फाई तो फोर हो जाएगा तो कि 5 4. तो यहां से आर नॉट की वैल्यू आ गई फोर और आर नॉट क्या है आर नॉट है डिग्री सेल्सियस ये माना है है ठीक अच्छा ऐसे क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन हो सकता है जैसे यहां पे हमने रेजिस्टेंस को रिलेट किया है टेम्परेचर चेंज से तो हमने जैसे एक फाइव ओम दे रखा था फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे और एक सिक्स ओम दे रखा था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे और दोनों को हमने जीरो डिग्री सेल्सियस वाले से रिलेट किया एक कोई ये सोच सकता है कि टेम्परेचर चेंज होने से जो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है होता है उसमें इन दोनों को ही आपस में रिलेट कर ले और वहां से अल्फा निकाल लें। किसी के मन में आ सकता है कि एक हमारे पास डिग्री सेल्सियस पे ओम दे रखा है और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे ओम दे रखा है तो हम ये भी कर सकते हैं ना दूसरा कोई ऐसा सोच रहा है कि वो लगा रहा है फिफ्टी डिग्री सेल्सियस से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उनके बीच में लगा रहा है तो यहां पे फाइव ओम रेजिस्टेंस था और यहां पे सिक्स ओम हो गया तो इन दोनों के बीच में अगर लगा दिया कि सिक्स टू फाइव और इनटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तो अल्फा इनटू डेल्टा टी हो जाएगा हंड्रेड माइनस फिफ्टी ऐसा कोई सोच ले तो ये आ जाएगा सिक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन प्लस फिफ्टी एल्फा तो यहां से अल्फा आ जाएगा सिक्स अपॉन फाइव माइनस वन करोगे तो वन अपॉन फाइव हो जाएगा तो वन अपॉन फाइव और इंटू फिफ्टी तो वन अपॉन हो जाएगा एल्फा की वैल्यू एल्फा की वैल्यू वन अपॉन ये कोई निकालेगा और अल्फा निकाल रहे हैं अब अगर आर नॉट रिलेट करना है तो अब वो लेट से फिफ्टी डिग्री सेल्सियस वाले से जीरो के बीच में लगा देगा तो आ जाएगा कि डिग्री सेल्सियस हमारे निकाल चुका है तो ये तो तो आ जाएगा यहां से आर नॉट आ जाएगा 25/6 यानी कि ये करोगे अगर तो 4.1 के आसपास आ जाएगा 4.1 तो इससे भी आंसर थोड़ा क्लोज ही आ रहा है 4 के ही आसपास आ रहा है तो ये जो जनरली जो टेम्परेचर वाला रिलेशन होता है ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि टेम्परेचर वाला जो रिलेशन है टेम्परेचर रिलेशन में क्या देखा है? कि RT R0 1 अल्फा डेल्टा T डेल्टा T को हम T T0 लेते हैं तो वैसे तो ये जो टेम्परेचर है ना ये टी नॉट एंड टी कोई भी दो टेम्परेचर और जो 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगाया और फर्स्ट वाले में हमने जीरो और फिफ्टी के बीच में लगाया जीरो और हंड्रेड के बीच में लगाया तो वैसे तो ये किसी भी दो के बीच में लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में दो टेम्परेचर्स की वन है सीधा लगा सकते हो बट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे दे रखा है और जीरो से रिलेट करना है तो

50 और जीरो के बीच में एक बार करू एक बार हंड्रेड और जीरो के बीच में करूँ और फिर करूँ तो उससे आंसर थोड़ा सा ही फर्क आएगा तो अगर ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है तब तुम दोनों में से किसी से किसी भी कर दो और अगर क्लोज है तो फिर ऐसे क्वेश्चन रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो जनरल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा है था उसमें रेफरेंस टेम्परेचर जीरो डिग्री लेके पूछा है था तो इसमें वही था कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे पूछा था और दो टेम्परेचर पर रेसेंस दे रखा था फिफ्टी डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे बट ये जो रिलेशन है ये कोई भी दो टेम्परेचर के बीच में तुम लगा सकते हो एक क्वेश्चन सोल्विंग में लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि लगाने से अलग अलग आंसर आ रहा है तो यू शुड कौन सा कि जीरो डिग्री सेल्सियस के में दोनों को रिलेट करो और फिर आपस में रिलेशन निकालो तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से आते हैं कभी कभी एग्जाम में सीधा बोलेगा कि जैसे ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन सकता है कि पचास डिग्री सेल्सियस पे एक रेजिस्टेंस था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस से बताओ अल्फा है तो अगर स्टैंड अलोन है तो फिर आपस में भी तुम रिलेट करके कर सकते हो ठीक है और उससे अगर आंसर आ गया वो है तो ठीक है अगर पास पास ऑप्शन नहीं है अगर पास पास ऑप्शन है तब तुम्हें क्या करना चाहिए कि एक रेफरेंस डिग्री सेल्सियस लो उससे 50 को रिलेट करो उससे 100 को रिलेट करो और फिर निकालो अल्फा की वैल्यू या जो भी पूछा गया चलो एक ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अ अ वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल सर्कल के फॉर्म में एक वायर हमने बेंड किया हुआ है

तो उसका आंसर फिर करेक्ट कौन सा हो जाएगा थ्री ओम अगर है तो आंसर इज डी डी द करेक्ट आंसर <coughs> ठीक है इसमें इसमें आंसर फोर ओम क्वेश्चन सिक्स हाँ इस, इस क्वेश्चन हा, में काफी बच्चों ने गलती की थी और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि सर्किट वैसे आसान है बट बना रखा है थोड़ा अजीब तरीके से तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना पड़ेगा तो सिंप्लीफाइड डायग्राम में क्या कर सकते हो कि क्या क्या तुम्हें डेफिनेटली दिख रहा है डेफिनेटली तुम्हें दिख रहा है कि ये दो ओम और ये चार ओम ये दोनों सीरीज में है ये दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है और ये मिला के छह ओम है क्योंकि बीच में कोई और जंक्शन वगैरह नहीं आ रहा है एक दिख रहा है कि ये वाला एक ओम और ये वाला दो ओम ये भी दोनों सीरीज में है ये है तीन ओम इनके भी बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा है अब बाकी जो है उनका कॉम्बिनेशन कैसा है वो थोड़ा सा यहां पे ट्रिक है अच्छा यहाँ इफेक्टिवली अगर देखोगे तो इधर वाला जो वायर है ये वाला जो वायर है ये वाला वायर जीरो वायर, वायर है जिस कारण से पोटेंशियल वाइज इन वायर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा तो अगर ये जो टर्मिनल बी दिखा रखा है ना यहाँ बी का जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी एक तरह से वही पोटेंशियल है बी वाला ही और यहाँ पे भी वो वही पोटेंशियल है बी वाला बिकॉज जीरो वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे इफेक्टिवली अगर कनेक्शन देखू तो हमारे पास एक टर्मिनल ए है एक टर्मिनल बी है और बी पूरा ये वायर पूरा बी ही है एक ही है लेफ्ट वाला पूरा वायर जहां तक पूरा एक ही टर्मिनल है और फिर एक यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है जंक्शन दिख रहा है इसको मैं सी बोल देता हूँ तो यहाँ पे अगर थोड़ा मैं कनेक्शन बनाऊ तो और इस ए वाला जो है ना ये टू ओम और ओम इसको थोड़ा पलट के उधर कर देता हूं। चलो ऐसा बना लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ बी है और यहाँ सी है बी और सी के बीच में जो ऊपर वन ओम और टू ओम सीरीज में था वो दोनों ऐसा कनेक्टेड है ये थ्री ओम है और फिर मैं एक को उधर ले जा रहा हूं तो एक को पलट के इधर ले जा रहा हूं एक को यहां ले गया पलट के एक को इधर ले गया तो फिर एक थोड़ा उधर खींच दिया तो ये बन जाएगा एक हमारे पास ये दो ओम वाला इधर आ जाएगा और चार ओम वाला इधर आ जाएगा ऐसा बन जाएगा तो एक टर्मिनल हमारे पास ये है एक टर्मिनल हमने किस किस को कंसिडर कर लिया है तो हमारे पास ये दो ओम मैं इधर टिक कर रहा हूं ये दो ओम आ चुका है सर्किट में ये चार ओम आ चुका है सर्किट में ये थ्री ओम आ चुका है सर्किट में नीचे वाला 6 ओम और रहता है और सिक्स ओम कहा कनेक्टेड है तो बी और सी के बीच में कनेक्टेड है तो 6 ओम वाला कुछ ऐसा कनेक्टेड है और हमें ए और बी के बीच में निकालना है ए और बी के बीच में निकालना है तो ये ये सर्किट है और वो ऊपर थोड़ा अजीब तरीके से बना हुआ था सिंप्लीफाई अगर करोगे तो सर्किट ऐसा है तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये और छे ओम ये दोनों पैरल में आ गया पैरल में आ गया तो ये दो ओम हो जाता है 6 3 upon 6 3, 18 9, तो ये, ये, तो ये, ये टर्मिनल बी है, है और ये टर्मिनल ए है तो फिर ये जो दो ओम आ रहा है ये दो ओम और ये फोर ओम ये सीरीज में, है। सीरीज में है तो फिर सिक्स ओम हो जाएगा

सी ये जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन सी ठीक है तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और ट्रिकी इसलिए था बिकॉज सर्किट थोड़ा बना रखा था अलग ढंग से बट इसको हम एक सिंप्लीफाइड वे में ऐसे बना सकते हैं ये कैसे कैसे बनाया थोड़ा ये फिगर आउट करना कि हमने ये किया कि जो जीरो वाला वायर था ना उसको बोल दिया कि वो तो सब एक ही पोटेंशियल पे तो उसको इफेक्टिवली एक ही टर्मिनल मान लिया और वो टर्मिनल बना लिया एक हमने ए वाला टर्मिनल बना लिया

और उसमें डायगेली अपोजिट कौन कौन से आ जाएंगे ये ऊपर वाला दस ओम और ये नीचे वाला दस ओम ये अपोजिट आ जाएगा हंड्रेड हो जाएगा और फिर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये ट्वेंटी ओम और ये फाइव ओम ये दोनों अपोजिट ये भी हो जाएगा तो ये दस ओम वाला हट जाएगा दस ओम वाला इस सर्किट से इसको हटा सकते हैं इसको मैं क्रॉस कर दे रहा कि इसको हटा सकते हैं और इसको हटा देंगे तो फिर ये कैसा बन जाएगा ये थोड़ा इस तरह का सर्किट हम क्लास में प्रैक्टिस कर चुके इसलिए मैं रीड्रॉ करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ बस ये पहले क्योंकि जैसे बीच वाला को वर्टिकल करेंगे बना लू तो यहाँ पे फिर एक पांच ओम है और ये नीचे वाले रास्ते में ऐसा दस ओम है ये पांच ओम है ये दस ओम है और ऊपर में ये है हमारे पास दस ओम और क्या है और यहां से कुछ ऐसा बीच वाला तो हट ही गया और ये है हमारे पास ट्वेंटी ओम ऐसा कुछ ऐसा ऐसा सर्किट बन गया ऐसा सर्किट बन गया तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में हैं ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका मिला के हो जाएगा 30 ओम नीचे वाला ये दोनों ये भी सीरीज में है तो इसका मिला के हो जाएगा 50 ओम और ये दोनों पैरेलल में है तो ये बन जाएगा 30 15 अपॉन 30 15 हो जाएगा 45 सॉरी 45

कि ये टू आर के साथ ये वाला जो आर है ये दोनों पैरल में है तो इनका मिला के कितना हो जाएगा तो टू आर इन टू आर अपॉन टू आर प्लस आर यानी थ्री आर तो ये टू आर अपॉन थ्री टू आर अपॉन थ्री आ जाएगा, जाएगा। ठीक है और उसके बाद फिर क्या है तो चलो उसके बाद अब मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ नया डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद ये है कि हमारे पास ए और बी जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में एक तो आर कनेक्टेड है एक है टर्मिनल ए एक है टर्मिनल बी इनके बीच में आर कनेक्टेड है और यहाँ पे ये ऐसा वर्टिकल सा दिख रहा था आर और फिर बाकी सी और बी के बीच में सी और बी के बीच में जो तीन थे उन तीन का कॉम्बिनेशन हमने हमने निकाल लिया ये ये हमने निकाल लिया लिया कि दैट इज ये ये है तो अब ऊपर वाले ब्रांच में अगर मैं देखूंगा ऊपर वाले में इन दोनों को मिला के अगर देखूंगा तो अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो सीरीज में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस टू आर बाई थ्री यानी ये हो जाएगा फाइव आर बाई थ्री फाइव आर बाई थ्री के साथ आर फिर पैरल में है ठीक है तो ये बन जाएगा फाइव आर अपॉन थ्री इन टू आर अपॉन फाइव आर बाई थ्री प्लस आर हो जाएगा हमारे पास आर ए बी आर ए बी ये हो जाएगा ठीक है तो इसमें अब बस कैलकुलेशन करना है तो ये कितना बन जाएगा फाइव आर बाई थ्री तो ऊपर में तो

तो तो ये तो इसमें भी इस तरह का सर्किट अगेन हमने क्लास में किया था कि जो कि दिखने में ऐसा विट्सन ब्रिज लगता था बट बिकॉज किसके टर्मिनल्स वो दोनों नहीं है जो विटसन ब्रिज में चाहिए थे इस कारण से ये सिंपल सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन है नॉट अ अन ब्रिज ये ये अगेन इट्स वेरी इजी ये तो हम क्लास में करते आए हैं इसमें कैसे करते थे कि पहले राइट से स्टार्ट करते थे तो ये दोनों मिलकर दोम हो जाएगा और ये वाला दोम और ये वाला दोम ये दोनों मिलके फिर पैरेलल में ये एक ओम हो जाएगा और वो एक ओम के साथ दो ओम सा। फिर सीरीज में आएगा मैं इसको वर्बली ही बोल रहा हूं इसको लिख नहीं रहा हूं कुछ ये वाला एक ओम के साथ ऊपर वाला ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में ये दोनों सीरीज में आ जाएगा थ्री ओम थ्री ओम हो जाएगा सीरीज में और ये थ्री ओम ऊपर वाला थ्री ओम और ये सिक्स ओम फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा तो थ्री ओम और सिक्स ओम पैरेलल में होकर टू ओम हो जाता है ठीक है और फाइनली वो जो टू एम होगा ये ऊपर वाले टू ओम के साथ सीरीज में होगा तो ये मैं स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज क्लास में ऐसे हम दो तीन बार क्वेश्चन कर चुके हैं तो फिर इफेक्टिवली इफेक्ट यहाँ आउट कर ज्यादातर बच्चों ने सही किया था तो फिर ऑफ द सेल हो जाएगा करंट दे रखा है 1.5 1.5 तो into 4 अच्छा बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोल रखा है तो हमेशा बैटरी को हमें आइडियल मानना है ई एम एफ अगर सिर्फ बोल रखा है कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है तो आइडियल मानना है ये आ जाएगा हमारे पास 6 uh, वोल्ट्स वोल्ट हो जाएगा बैटरी का ईएमएफ तो इसमें नाइन का ऑप्शन ए हो जाएगा तो ये ऐसे सर्किट्स में बिल्कुल राइट right से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट में आते रहते हैं और कॉम्बिनेशन दिखता रहता है हमें कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा ये 10, ये क्वेश्चन नंबर दिखने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है बट सिंपल है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया है तो उसमें हीट जनरेशन होगा पावर होगा और पावर कितना होगा पावर इन रेजिस्टर वो हो जाता है वोल्टेज दे रखा इस है इसने वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करें तो स्क्वायर स्क्र बाईर इससे पावर आ जाएगा और हमें बता रहे हैं क्या कर रहे हैं कि आइस मेल्ट करा रहे हैं आइस मेल्ट करा रहे हैं कि एक ब्लॉक में इम्बेड कर दिया रेस्टर जिससे कि आइस मेल्ट हो रहा, रहा है, हो है तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड पर सेकंड आइस मेल्टेड पर सेकंड आइस जो कि मेल्ट हो रहा है मेल्टिंग पर सेकंड ये बताना आइस मेल्टिंग पर तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा आइस मेल्टिंग पर सेकंड तो जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि पावर इस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है और अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये कर देंगे ऊपर यूनिट्स वाइज देखोगे अगर यूनिट्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जूल

ये बनेगा तो इसमें अब क्या करना है एक तो ये जीरो जीरो दो कैंसिल करा दो और फिर ये डेसिमल हटाओ तो इंटू टेन हो गया ऊपर और ये, 21 से ये हो जाएगा, और फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा तो ये वाला फाइव और ये वाला टू मिलके इसको कैंसिल कर देगा ठीक है तो क्या है ट्वेंटी वन अपॉन एट नीचे एक एट बच गया तो ये आ रहा है ट्वेंटी तो करोगे तो ये कितना हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा सिक्सटीन और फिर 50 बचेगा, तो तो हो 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 जाएगा grams per second. ये हो जाएगा ये ये आंसर इसका। तो इसमें हम ये थे कि में जो हीट डिसिपेशन हो रहा था, उसको हमने v square by R से निकाल लिया पावर टाइम कितना हो रहा है और उस हीट से हम आइस को मेल्ट करा रहे थे और हमें रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस पता करना था तो ये बेसिक थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट एक लेटेंट हीट वाला भी लग रहा था

इंडिविजुअली इन दोनों का वॉटेज था सिक्सटी वॉट और फॉर्टी वॉट अच्छा ऐसे केसेस में हमने बोला था कि जिस भी सर्किट में यूज कर रहे हो अगर उसका वी है तो इसी इसी वी वी को को इसका रेटेड रेटेड वोल्टेज वोल्टेज मान लो बल्ब का जैसे नहीं दे रखा और किस सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं ये भी नहीं दे रखा है तो डिफॉल्ट ये सब लैम्प हम घर में यूज करते हैं और घर में अगर यूज कर रहे हैं तो जो वोल्टेज होता है वो फिर स्टैंडर्ड uh, सा वोल्टेज होता है और बल्ब फिर उसी वोल्टेज के लिए रेटेड होते हैं तो इसी वी को हम इसी वी को हम रेटेड रेटेड वोल्टेज ऑफ बल्ब मान लेंगे रेटेड वोल्टेज ऑफ मान लेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि अब इसको हम ट्रीट करेंगे। R1 और कैसे निकलेगा? तो पावर रेटेड रेटेड पावर पावर और वोल्टेज को यूज़ करके हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पावर होता है V2 R, तो V2 P, तो निकालेंगे तो दैट इज वी स्क्वायर अपॉन फोर्टी

तो फिर हमें टोटल पावर कितना मिलेगा टोटल पावर तो टोटल पावर -फोर मिलेगा -फोर -फोर में इंडिविजुअल कितना कितना ट्वेंटीब्यूट कर रहा होगा तो तो हम सोच सकते हैं कि इंडिव्यूजल कितना कितना होगा कि करंट निकाल लेंगे और करंट निकाल के आई कर देंगे अच्छा इंडिविजुअली निकालेंगे तो उसके लिए वी स्क्वायर बाई आर नहीं करना है बिकॉज वी फिर पूरा जो ये वी है इस केस में दोनों के अक्रॉस इसके अक्रॉस कुछ वी वन होगा अलग होगा वी से कम होगा ये भी कुछ वी टू अलग होगा तो फिर टोटल पावर निकालने के लिए हमने v R कर लिया। लेकिन अगर पावर बाई वन निकालना है कि वन में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है तो उसके लिए फिर ऐसे कर सकते हैं करंट निकाल के और कर ले तो वो कर सकते हैं जैसे अगर निकालना हो तो वी कैन डू कि इंडिविजुअली कितना, कितना कितना करना हो चलो कर ही लेते हैं इंडिविजुअली अगर करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे तो अगर हमने uh, तो फिर हम करेंट निकाल लेता करेंट निकाल लेते तो, तो आई आई कितना हो जाएगा टोटल आई कितना आएगा तो वो आ जाएगा वी अपॉन आर इक्वलेंट तो आर इलेट हो जाएगा आर वन प्लस आर टू यह आ जाएगा तो फिर अगर पावर वन में निकालना है पावर इन वन तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर इन टू आर वन तो ये आ जाएगा बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन अच्छा इसमें अगर देखोगे तो चलो वी स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू कै स्क्वायर और इन टू आर वन

तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये er. स्मॉल तो ये क्या दिस कमिंग आउट अपॉन वीर ई माइनस वी इंटू कैपिटल आर अपॉन वी तो फिर ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है तो ये बैटरी वाला जो हमने पढ़ा था रियल बैटरी

और फिर हमने ये भी नोट किया था कि इससे अगर कोई कम रेजिस्टेंस होगा लेट्स ये वाला ये मैक्सिमम वा, पावर तो ये है ये तो पी मैक्स है ऊपर वाला जो मैक्सिमम वाला कर्व है वो पी मैक्स है तो इससे कम कोई भी पावर होगा तो उस पावर पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस होंगे और इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस के बारे में इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक को बोल रखा है कि आर वन और एक को बोल रहे हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीनस सेम पावर है दोनों के लिए तो ये हमने डिराइव किया था क्लास में कि इसके लिए आ गया था कि आर वन आर टू टू इंटरल रेजिस्टेंस का स्क्वायर आर वन आर टूज टू

उनका प्रोडक्ट आर वन आर टूर के बराबर ये दोनों तुम्हें याद रखने है। चलो, नहीं हुई होगी गलत हो गया होगा बट इसमें कॉन्सेप्ट किस इस तरह का सर्किट केवीएल uh, से सॉल्व होता है तो के से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे जीरो मान लेते हैं तो नीचे तीनों पॉइंट जीरो हो जाएगा। और फिर अब आगे बढ़ के हम पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं तो जैसे यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे अब पोटेंशियल मैं यहाँ पे थ्री है बाकी अभी मैं और ऊपर नहीं बढ़ सकता हूँ तो मुझे अब मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे ऊपर वाले रेजिस्टेंस नहीं पता है तो मैंने ऊपर वाले का सॉरी वोल्टेज नहीं पता है तो मैंने वी मान लिया तो यहाँ भी वी हो जाएगा यहाँ भी वी हो जाएगा अच्छा इसमें अगर लेफ्ट वाले ब्रांच में देखोगे तो ऊपर में अगर वी है तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा यहाँ बैटरी के जस्ट नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा वी माइनस वन बिकॉज बैटरी को क्रॉस कर रहे हो नीचे आ रहे हो

और बाहर जाएगा तो वो इन तीनों रेजिस्टर्स में बाहर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो नीचे के डायरेक्शन में हम करंट लिखेंगे और करंट लिखने के लिए हमेशा क्या करना है वो किस रजिस्टर से होकर जाएगा और उस रजिस्टर के लिए फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर करके करंट लिख लेंगे तो जैसे इस जंक्शन से जो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा अच्छा एक्चुअली में करंट किधर जा रहा है वो मुझे पहले से नहीं पता है लेकिन पहले हम

तो ये आ जाएगा v थ्री अपॉन थ्री हमने निकाल लिया। और जैसे ही एक बार v आ जाएगा उसके बाद फिर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाएगा तो v यहां से क्या आ जाएगा इसको अगर मैंने क्या किया कि इस पूरे इक्वेशन को एलसीएम ले लोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा सिक्स टाइम्स वी माइनस वन और प्लस थ्री टाइम्स वी माइनस टू

अब करंट किस में पूछा गया आई थ्री पूछा है तो आई थ्री में अगर देखोगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आ गया ये वी आ गया एन अपॉन इलेवन एन अपॉन इलेवन आ गया और नीचे थ्री है तो फिर नीचे वाला हाईर है तो इसलिए करंट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और कितनी होगी तो आई थ्री अगर निकाल रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो है थ्री माइनस एटीन अपॉन इलेवन ऊपर की तरफ ये पोटेंशियल डिफरेंस है और अपॉन रेजिस्टेंस है तीन तो ये कितना बन रहा है इलेवन इन एटीन तो ये फिफ्टी हो जाएगा और यहाँ पे वन बाई थ्री है

और फिर आंसर होता और एक आंसर फाइव इलेवन होता और एक आंसर माइनस ऑफ फाइव इलेवन होता तो अगर एरो नीचे बना है तो हमने देख लिया करंट ऊपर जा रहा है तो फिर हम माइनस ऑफ फाइव करते यहां पे तो एरो ऊपर सही दिखा रखा था शुरू में ही और ऑप्शंस भी सारे पॉजिटिव है तो फाइव इलेवन एम्पियस ही हो जाएगा चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन था दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन बोल रहा है टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर

हमें हीट निकालना है इन टाइम इंटरवल क्या है जीरो से लेके ए बाई बी तक हमें निकालना है, इस तक निकालना है, कि से जीरो तो तक हमें क्या कर, तो कर, कर रहा है तो पहले मैं करंट निकालूंगा तो करंट कैसे आएगा तो डीके वाई डी टी से आ जाएगा और डीके बाईटी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस टू बी टी ये करंट आ गया अच्छा इस बार करंट जो आ गया ना ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो जैसे करंट अगर कांस्टेंट होता है तब हीट कैसे निकालते हैं तब हीट कैसे निकालेंगे जैसे power, power कितना होता? आया है. आया है. कि अलग अलग टाइम पे क्यों फंक्शन ऑफ टाइम आया बिकॉज करेंट फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है. तो अलग अलग टाइम पे पावर की वैल्यू अलग अलग होगी तो इसमें अगर हीट निकालना है तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आई स्क्वायर आर डी टी लिखेंगे इससे आ जाए की डीटी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा और फिर इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो इंटरवल के लिए चाहिए उस टाइम इंटरवल के लिए हमें इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आई इंटीग्रेशन से आता है हीट उसी में अगर आई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट रहता है तो वो बाहर आ जाता है आई स्क्र आर और डी टी का इंटीग्रेशन फिर टी हो जाता है इस बार आई स्क्टेंट नहीं है तो फिर उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई क्या आया था हमारे पास आई आया है ए माइनस टू बी टी तो ए माइनस टू बी टी ये आई है आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम जीरो कैलकुलेशन है क्या बन रहा है ये so तो बाहर निकाल लेता मैं. पहला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर सॉरी प्लस ए स्क्वायर एक् माइनस बी का स्क्वायर यूज करू और माइनस फोर ए बी ये है और इसका इंटीग्रल हमें करना है फ्रॉम तो ये आर ये बाहर है बन जाएगा एक टम आ जाएगा एक आ प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा फोर ए बी और इंटू टी स्क् टू और इसमें लिमिट डालना है फ्रॉम जीरो तो आर बाहर है तो कैलकुलेशन था इसलिए आई थिंक सफिशेंट टाइम दिया होगा

तो इसमें अगर देखो तो तीनों टर्म्स में एक य्यूब अपॉन बी ही आ रहा होगा कि यहाँ पे बी स्क्वायर से ये बी क्यूब सिर्फ बी बच जाएगा और यहाँ पे भी बी से ये सिर्फ बी बच जाएगा तो एक य्यूब अपॉन बी आ रहा है तीनों टर्म्स में तो आर इंटू एक य्यूब अपऑन बी ये तो कॉमन आ जाएगा और ये बन रहा है वन प्लस फोर यहाँ पे भी एक बी है ठीक है ना यहाँ यहाँ पे क्या था फोर बाई थ्री है फोर बाई थ्री ये फोर बाई थ्री था ऊपर में तो फोर बाई थ्री और माइनस वहां पे भी एक य्यूब अपॉन बी है तो माइनस टू आ गया या गया फोर बाई थ्री माइनस वन हो जाएगा तो यह आ जाएगा आर ए क्यूब अपॉन बी और अंदर वाले में फोर बाई थ्री माइनस वन दैट विल बी ऑप्शन सही है R B, तो, B. तो, B इसका सही था। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ मान सकते हैं एज पर थे तो ये लेवल ऑफ क्विज ये ठीक था ना ही बहुत ईजी भी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था दो तीन क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे तो उन्हीं दो तीन क्वेश्चन के चक्कर में वो जिन जिनका सही हो गया होगा उनकी रैंक्स फिर अच्छी आई होगी ठीक है तो अभी लाइव क्विज ये हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया और अगर इस क्विज में किसी को डिफिकल्टी फेस हुई तो एक बार फिर से अच्छे से क्लास नोट रिवाइज करो बिकॉज में सारी चीजें हमने वही यूज की थी सारी चीजें उन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे क्वेश्चन जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए हैं ओके Thanks for uh, watching the video and thanks for attempting the quiz. All the best.